आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर टेस्टी मसालेदार फिश करी। अगर आपने फिश करी एक बार इस तरीके से बना लिया तो हर बार ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। मैंने इस रेसिपी में कतला फिश का यूज़ किया है, पर आप इसमें रोहू, सुरमई, पॉम्फ्रेट या किसी भी फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप खाते हैं। तो चलिए आज की मज़ेदार मसालेदार फिश करी की रेसिपी को शुरू करते हैं। मसाला फिश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम कतला फिश लिया है। आप इसमें रोहू या अपने मनपसंद के कोई भी फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिश को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। फिर हम इसमें नमक डाल देंगे और इसके बाद इन सबको अच्छे से मिला देंगे। आप चाहिए तो इसमें एक छोटा चम्मच नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्हें अच्छे से मिला दें। तो फिश को मैंने मसालों से अच्छे से कोट कर दिया है। अब हम इसे ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम मसाला पेस्ट बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 बड़े चम्मच ये सरसों लिया है। बारीक वाली सरसों या राई ना यूज़ करें, मोटी वाली यूज़ करें, बारीक वाले कड़वे होते हैं टेस्ट में। तो यहाँ पे 2.5 बड़े चम्मच ये सरसों डाल दें। आप इसमें पीले वाले सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, ये साबुत जीरा डाल दें। आधी छोटी चम्मच हम साबुत धनिया डाल देंगे। आप इसकी जगह धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 10 यहाँ पे काली मिर्ची डाल दें। तो यहाँ पे ये साबुत काली मिर्च डाला मैंने। फिर हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च। फिर हम इसमें डाल देंगे 18 से 20 छिली हुई लहसुन की कलियाँ। तो यहाँ पे लहसुन थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे ये लहसुन डाल देती हूँ मैं। इसके बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पूरा पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी डालें, उसके बाद ब्लेंड करें। तो जार का ढक्कन बंद करके आप इसे ब्लेंड कर लें। मैं इसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको अदरक पसंद है तो 1 इंच अदरक का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। बीच बीच में आप जार को ऐसे खोल के चेक कर लें। अगर लगता है कि ये नहीं ब्लेंड हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी वापस डालें। ये देखिए, अब हम वापस इसे बंद करेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट जो है वो जितना स्मूथ रहेगा करी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो ये हमारा मसाला पेस्ट जो है वो बन के तैयार है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, अगर नहीं ब्लेंड हुआ है तो वापस करेंगे। ये देखिए, एकदम सही पेस्ट दिख रहा है ना। ये देखिए, तो मसाला पेस्ट हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में और सेम ब्लेंडिंग जार में हम टमाटर को ब्लेंड कर लेंगे। तो इसे मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। मसाला पेस्ट बनाते वक्त थोड़ा भी मसाला वेस्ट नहीं करेगी। जार में थोड़ा सा पानी डाल के और इसे ऐसे मिला के और वापस इसमें डाल दें, क्योंकि मिक्सर जार में बहुत सारा मसाला जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो आप इसे ऐसे डाल दें। तो ये हमारा मसाला पेस्ट बनके तैयार है। आप इसे अलग रख दें और अब हम टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। तो टमाटर को ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे ये ब्लेंडिंग जार को एक बार मैंने वॉश कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले और टमाटर को ब्लेंडिंग जार में डाल के बिना पानी डाले आप इसे ब्लेंड कर लें। आप चाहिए तो टमाटर को बारीक काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना ब्लेंड किए। ब्लेंड करके जब करी बनाएंगे ना, तो टमाटर का पेस्ट और मसाला पेस्ट मिलके ग्रेवी जो है वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। तो सरसों का पेस्ट हमने बना के रखा है और ये हमारा टमाटर का जो प्यूरी है वो भी प्यूरी नहीं पेस्ट है, बन के तैयार है। तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। तो हमने दोनों मसाले रेडी कर लिए हैं। अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस में, जहाँ पे हम फिश को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म किया है। मैं इसमें सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों तेल में फिश करी ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन अगर आप सरसों तेल नहीं खाते हैं तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ करें जो आप खाते हैं। तो तेल डाल दिया मैंने। अगर आप सरसों तेल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसे अच्छी तरह गर्म होने दें। जब तेल से धुआं निकलने लगे तो गैस को कम कर दें और उसके बाद इसमें ये फिश डालें। फिश डालते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि तेल के छींटे आएंगे। तो यहाँ पे ये 4 फिश डाल दिया मैंने। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखें और इसे ऐसे पलट पलट के दोनों साइड से ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। फ्राई करते वक्त अगर आपका जो फिश है वो पैन में चिपक रहा है या टूट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी फ़िश की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर ये थोड़ी पुरानी है। तो जब भी आप फ़िश खरीदें ना, तो इस बात का ध्यान रखिए कि उस दुकान से वापस लेना है कि नहीं। तो ये हमारा फिश जो है वो दोनों साइड से फ्राई हो चुका है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे फिश को थोड़ा क्रिस्पी रखती हूँ। आप चाहिए तो जितना आपको कम पसंद है ना, उतना ही फ्राई करें। अगर आपको ज़्यादा ऐसे क्रिस्पी लेयर नहीं पसंद है तो आप इसे पहले निकाल लें। तो यहाँ पे मैंने ये 4 फिश फ्राई कर लिया है। अब हम सेम प्रोसेस से बाकी के फिश को फ्राई कर लेंगे। फ्राई किया हुआ फिश बच्चों को आप खिला सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे बच्चे तो ऐसे फ्राई किया हुआ ही फिश खाते हैं राइस के साथ। फिश को फ्राई करते वक्त गैस का फ्लेम मीडियम या फिर मीडियम हाई रखिए, धीमी आंच पे उसे नहीं पकाएं। तो यहाँ पे मैंने ये बाकी फिश को फ्राई कर लिया है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ।
बचे हुए तेल में हम मसाला फ्राई करेंगे, तो अलग से तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये फ़िश फ्राई हो चुका है, आप चाहिए तो इसे ऐसे स्टार्टर में भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इसे मैं अलग रख देती हूँ और यहाँ पे बचे हुए तेल में थोड़ा सा जीरा डाल दें, 1 से 2 हरी मिर्च जीरा लगा के डाल दें और इन दोनों को थोड़ा सा पका लें। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये मसाला पेस्ट डाल देंगे जो हमने बना के रखा है। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखें। मसाला पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर अच्छा आता है और तीखा कम होता है। आप चाहिए तो बिना लाल मिर्च पाउडर के भी इसे बना सकते हैं सिर्फ हरी मिर्च डाल के। मसाले को ऐसे मिला दें और 4 से 5 मिनट तक पकने दें। बीच बीच में आप इसे ऐसे मिक्स करते रहें। जैसे ही मसाला जो है वो थोड़ा सा पक जाएगा, ये देखिए तेल जो है वो ऊपर दिखने लगता है, तब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो टमाटर हमने यहाँ पे पहले से पीस के रखा है, ये टमाटर डाल दें। और यहाँ पे ये जो मसाले वाले बर्तन में थोड़ा सा मसाला लगा था उसमें मैंने पानी मिला के इसे ऐसे ऐड कर दिया। मैंने बोला था ना मसाला बिल्कुल वेस्ट नहीं करे, तो मैं तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे इसे मैंने मिला दिया। अब हम इस पेस्ट को 10 मिनट तक धीमी आंच पे ढक के पकाएंगे। मसाले को जितना ज़्यादा पकाएंगे मसाला उतना ही अच्छा बनेगा, करी आपकी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो मसाले को ऐसे बीच बीच में मिक्स करते रहें और ढक के आराम से 10 मिनट तक पकने दें। 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और ये देखिए मसालों का जो कलर है वो पहले से चेंज हो गया है, मतलब मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 गिलास पानी का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो 2 कप पानी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे ये पानी डाला मैंने, नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। ध्यान रहे नमक हमने फिश को मैरिनेट करते वक्त भी डाला था, तो नमक थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। मिला दें इसे अच्छे से और इसके बाद 1 उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे करी में उबाल आ जाए, ये आप देख सकते हैं, तो इसे हल्के हाथों मिक्स करें और इसके बाद इसमें फ्राई किया हुआ फिश डाल दें। फ्राई किया हुआ फिश डालने के बाद इसे 8 से 10 मिनट धीमी आंच पे पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आप फिश को ओवर कुक करेंगे ना तो ये टूटने लगेंगे करी में। तो यहाँ पे ये फिश डाल दें। अगर आपको फिश करी की जो ग्रेवी है वो थोड़ी पतली चाहिए तो 1/2 कप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो यहाँ पे ये फिश डाल दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे कि इसे ऐसे मिला देंगे और इसके बाद धीमी आंच पे 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पे हम इसे कवर कर देंगे और धीमी आंच पे 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे। 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और इसे हल्के हाथों एक बार ऐसे मिला दें। तो आप इसे इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करें क्योंकि ग्रेवी जो है वो ठंडी होने के बाद और भी थिक होगी। तो यहाँ पे ये कंसिस्टेंसी एकदम सही है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से इसका कलर भी अच्छा आ गया है और फिश देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। लेकिन अगर आप मिर्च पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल करें, उससे स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये हमारी फ़िश करी जो है वो बनके तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। धनिया पत्ता डालने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और करी को ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दें। उससे क्या होगा, ग्रेवी जो है वो सेट हो जाएगी और फ़िश करी देखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगी। तो यहाँ पर रख दिया मैंने। 5 मिनट बाद ये देखिए है ना, कलर कितना बढ़िया आ गया है। और ये देखिए ग्रेवी जो है वो पहले से थिक हो गई है। तो ये हमारी मज़ेदार फिश करी जो है वो बनके तैयार है। ये देखिए ग्रेवी एकदम परफेक्ट दिख रही है ना, ना ज़्यादा पतली दिख रही है ना ज़्यादा थिक दिख रही है। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। फिश को ज़्यादा ऐसे मिक्स नहीं करें, नहीं तो ये टूटने लगेंगे, सर्व करते वक्त बहुत ही सावधानी से निकालें। तो ये हमारी मसालेदार फिश करी बनके तैयार है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो सर्व करने के लिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसा लग रहा है ना किसी होटल में जैसे फ़िश करी मिलती है वैसा ही कलर है दिखने में। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे तो इसका कलर ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर आप लाल मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो आप मस्टर्ड वाला और ग्रीन चिली से बनाए, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारी मसालेदार फ़िश करी बन के तैयार है। और मैं क्या करती हूँ कि सर्व तो मैंने इस प्लेट में कर दिया है, लेकिन इसे खाते कैसे हैं हमारे स्टाइल में वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ़िश करी हमारी बन के तैयार है। अब मैं क्या करती हूँ इसकी सर्विंग थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक थाली लिया मैंने, इसमें ये राइस रख दिया। जब आप इसे सर्व करें ना तो ऐसे सर्व करें तो दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके साथ आप रोटी रख दें और इसके साथ हम ये फ़िश करी रख देंगे। इसके साथ आप धनिया पत्ता या पुदीने पत्ते की तीखी चटनी रख दें और साथ में अनियन के स्लाइसेस रख दें। तो ये हमारी बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार फ़िश करी थाली जो है वो बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये फ़िश करी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।